दिनांक 14/6/2021 से विशेष टीकाकरण अभियान के तहत खुर्जा नगर पालिका ने शासनादेश पर नगर के विभिन्न इलाकों में माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया है। इस अनाउंसमेंट का उद्देश्य ये है कि विशेष टीकाकरण अभियान 14 तारीख से शुरू हो चुका है और इस अभियान के तहत ड्राइवर, कंडक्टर, फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पटरी, खोमचे और ऑटो रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ईओ नगर पालिका जेके आनंद ने बताया कि प्रमुख सचिव नगर विकास के शासनादेश पर नगर के करीब 2200 लोगों का टीकाकरण कराना है, जिसके लिए महिला अस्पताल में एक अलग से बूथ भी बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद खुर्जा समय समय पर टीकाकरण के लिए नगरवासियों को जागरूक कर अस्पताल में टीकाकरण के लिए भेज रही है। शासन के निर्देश आए, हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास महोदय का एक आदेश आया हुआ है कि जितने भी ठेली, खुमचे, रेहड़ी वाले हैं, इनको जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है पीएम स्वनिधि योजना में, इनको लाभ भी दिया गया है। उनसे मेरी इस चैनल के माध्यम से अपील है कि वो वैक्सीनेशन के लिए हमारे द्वारा कर्मचारी लगा दिए गए हैं और हॉस्पिटल में इसका अलग से एक बूथ बना हुआ है। मेरी डॉक्टर विकास राजी से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से एक बूथ बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे द्वारा बार बार इनको मोटिवेट करके भेजा जा रहा है जहाँ वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है। लगभग देखिए, हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो तो 2200 का है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले ताकि इस कोरोना बीमारी से मुक्ति मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोगों ने एक बूथ बना रखा है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। कल से लोग आए भी हैं, कल करीब 20-25 लोग आए थे। नगर पालिका के भी कुछ अधिकारी हम लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। आज भी वो लोग आए थे पूछने, तो हमने उनको बोला है कि उनको उन लोगों को भेजिए, हम लोग उनको स्पेशली बूथ पर आकर उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। रेहड़ी पटरी वाले कितने लोगों का टारगेट है जो यहाँ पूरा किया जाएगा, कितने रजिस्ट्रेशन होंगे? टारगेट का तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास उनका डाटा नहीं है कि खुर्जा शहर में कितने रेहड़ी पटरी वाले ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जो लोग आएंगे उनका हम वैक्सीनेशन करते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हमने 45+ वालों को खोल रखा है, 18+ वालों के लिए हमें जब स्लॉट मिलेगा जिले से तब हम उसको चालू करेंगे। इस अभियान के तहत सभी आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण महिला अस्पताल में किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति टीका नहीं लगवाएगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।